तो गाइस सब देख सकते हैं यामा का ZR, आप देख सकते हैं ये ब्लैक एडिशन में आपको फाइनली देखने को मिलता है ZR। वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसका माइलेज की जहाँ तक बात करें तो इसमें बहुत ही बेहतरीन माइलेज आपको देख रहा होगा, मिल रहा होगा। इसमें आपको हाइब्रिड इंजन दिया गया है, इसलिए इसका माइलेज कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अगर आपको यामा के स्कूटी के बारे में सोच रहे हैं तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रेंज में। लगभग इसका मिनिमम जो रेट है 1 लाख के कुछ आसपास है। बाकी डिटेल्स आप यामा शोरूम से जान सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लुक आपको फाइनली कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है, आगे का प्रोसेस जो है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। यहाँ आप देख सकते हैं यामा का कुछ ब्रांडिंग लोगो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें RAY ZR आप देख सकते हैं 125 में है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। इसका जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, और ये बहुत ही स्मूथ। मीटर कंसोल की जहाँ तक बात करें तो मीटर कंसोल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। और साइड से लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, सीट बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है देखने में। और ये स्पेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है देखने में और अच्छा लग रहा है। पीछे से बैक लाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। टायर साइज की सेक्शन की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आप लुक देख सकते हैं। इसमें हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको कुछ प्रोजेक्टर लाइट की कुछ हेडलाइट आपको फाइनली देखने को मिलता है, तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में और काफ़ी स्मूथ लग रहा है ये स्कूटी। तो कमेंट करना कि ये स्कूटी का कलर आपको कैसा लग रहा फाइनली। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, तो मैं बता देते हैं मिनिमम जो है 1 लाख के आसपास है। तो गाइस यही छोटा सा वीडियो है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यार ऐसे लेटेस्ट वीडियो में हमेशा के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो